हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा स्वागत करता हूं आपका आरजे कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए आपके लिए स्पेशल क्रेश कोर्स फॉर सीएचओ। तो अब रेगुलर हमारी चार दिन तक सीएचओ के लिए क्वेश्चन बेस्ड क्लास लगेगी, जिसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर करवा दिए जाएंगे। तो रेगुलर आप चार दिन तक हमारा चैनल फॉलो कीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि कई स्टूडेंट बताते हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आप एक बार बेल आइकन को चेक कर लें, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और रेगुलर हमारी चार दिन तक क्लासें रहेंगी, जिनके अंदर हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे। हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे विथ रेशनल, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर करवा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके 70-80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। सीएचओ की एक नई टेस्ट सीरीज और स्टार्ट कर दी है आज, एक अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज ही आप हमारे जो वेबसाइट है rjcareerpoint.com, वहां जाके आप रजिस्ट्रेशन करें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। हमारा टारगेट यही है कि चार दिन की क्लासेस और दो टेस्ट सीरीज जो हमारी है, उनके द्वारा आपका 70-80% जो क्वेश्चन होंगे सीएचओ के अंदर, उनको कवर कर देंगे। तो रेगुलर आप क्लासेस फॉलो कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब चार दिन आपके लिए गोल्डन पीरियड है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपका सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। सो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं, फिर हम हमारे क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। अब क्रेश कोर्स के अंदर आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम सोल्व करवा देंगे। एम्स की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सीएचओ की एग्जाम कंप्लीट होती है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा एम्स के लिए। उसके भी हम रेगुलर क्वेश्चन क्लासेस और थ्योरी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें आपको अभी 13 तारीख को उसकी सुनवाई होने वाली है, और एग्जाम का एक अप्रोक्सीमेट हो सकता है एक दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक एग्जाम भी होने के चांसेज हैं। तो आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट सभी लाइव आ जाए। फिर स्टार्ट करेंगे आज की हमारी क्लास, जिसमें हम बात करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की। हर क्वेश्चन को और उसके हर एक ऑप्शन को आपको रेशनल के साथ समझाया जाएगा। 20 क्वेश्चन के साथ साथ आपके 70-80 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, क्योंकि अभी हम अगर थ्योरेटिकल क्लासेस चलाते तो उनसे आपका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको यहां से क्वेश्चन क्लासेस से मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग आप हमारे सपोर्टिंग नंबर जो है 9024103614 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अभी टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएगी, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द ड्राई कॉर्निया अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ, ड्राई कॉर्निया अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ। ड्राई कॉर्निया क्यों होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B1 एंड विटामिन सी। देखिए, न्यूट्रिशन से भी आपके क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के आपके क्वेश्चन न्यूट्रिशन से होंगे, जिसके अंदर आपको विटामिन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा, हम उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे, ताकि आपके जो कोरिलेटिव क्वेश्चन है वो भी आप वहां से अटेम्प्ट कर सके। तो देखिए, ड्राई कॉर्निया किसके कारण होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, जिसको अपन बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी क्या हो जाता है, जो कॉर्निया होता है वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या है अपना, बी राइट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ अब देखिए, हर जो भी हमारे ऑप्शन होंगे, हर ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन बनता है, तो हर ऑप्शन को हम यहां पे विस्तार से आपको समझाएंगे। अब देखिए, अपने पास ऑप्शन है विटामिन B12 है। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किस क्या कौन सा डिजीज होती है, परनीशियस एनीमिया। कौन सी होती है, परनीशियस एनीमिया। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है, क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से रिलीज होता है, अपने जो गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं उनके अंदर 4 प्रकार की सेल होती हैं। कौन कौन सी होती है, आप इसको 100 ट्रिक से याद रखें, MPC एंड Z, मुरली प्रसाद चतुर्वेदी, ठीक है, ऐसे आप याद रख ले इसको। फर्स्ट है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। सेकंड है पैराइटल सेल, ये रिलीज करती है आपके यहां पर
HCL and intrinsic factor. HCL and intrinsic factor. नेक्स्ट है यहां पर आपकी चीफ सेल. चीफ सेल जो क्या रिलीज करती है, पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन ठीक है. और लास्ट में है जी सेल जो क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है. स्टमक के अंदर चार प्रकार की सेल होती है, म्यूकस सेल म्यूकस सीक्रेट करती है, पैराइटल सेल क्या करती है, एससीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करती है, और चीफ सेल होती है जो पेप्सिनोजन सीक्रेट करती है, और यहां पर जो जी सेल होती है वो गैस्ट्रिन सीक्रेट करती है. ठीक है, अब देखिए जो इंट्रिंसिक फैक्टर वो किसने सीक्रेट किया, पैराइटल सेल ने. अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन बी ट्वेल्व की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है. ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या कौन सी डिजीज प्रिवेंट हो जाएगी, परनीसियस एनीमिया नहीं होगा. ठीक है, इसके अलावा देखिए यहां पर पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन अपनी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एचसीएल की. एचसीएल की प्रेजेंस के अंदर पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है. अगर इनसे रिलेटेड भी आपका कोरिलेट कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, एचसीएल की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, समझ गए. हर एक सेल्स का जो भी फंक्शन होता है, कई बार आपको यहां से पूछ लेता है कि चीफ सेल क्या सीक्रेट करती है, जी सेल क्या सीक्रेट करती है, एचसीएल कहां से सीक्रेट होता है, तो ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, परनीसियस एनीमिया. विटामिन ए से हमने बता दिया ज़ेरोथैल्मिया या ड्राई कॉर्निया. अगर कंटिन्यूस ड्राई कॉर्निया की कंडीशन रहती है तो ये क्या कॉज कर सकता है, कॉर्नियल अल्सर भी कॉज कर सकता है. ठीक है, अगर उसको हमने ट्रीट नहीं किया तो क्या कर सकता है, कॉर्नियल अल्सर भी कॉज कर सकता है. इसके अलावा नीचे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या है, विटामिन बी वन. विटामिन बी वन की केमिस्ट्री क्या होता है, बेरी बेरी. क्या होता है, बेरी बेरी. अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है वेट बेरी बेरी एंड ड्राई बेरी बेरी. तो वेट बेरी बेरी जो होता है वो कौन सिस्टम को अफेक्ट करता है, सीवीएस सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ड्राई बेरी बेरी जो होता है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. विटामिन बी वन या थायमिन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज होती है, जो क्या करता है, वेट और ड्राई, इसके दो टाइप होते हैं, वेट बेरी बेरी सीवीएस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ड्राई बेरी बेरी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. नीचे है आपके विटामिन सी. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होती है, स्कर्वी. स्कर्वी डिजीज होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए. यहां पर अपना राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी अपना क्या है, राइट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. अमोंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस विच इज स्प्रेड वाया फीको ओरल रूट. जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं हेपेटाइटिस के टाइप, इनमें से कौन सा हेपेटाइटिस फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसफर होता है, वाया द फीको ओरल रूट. सभी स्टूडेंट आंसर दे, जितने भी स्टूडेंट लाइव है सभी स्टूडेंट आंसर दे क्वेश्चन का. आप एक बार शेयर कर दें ताकि और भी जो स्टूडेंट है लाइव नहीं आ पाए हैं, किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वो लाइव आ जाए. ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड ऑल ऑफ द अबव. यहां पर देखिए हेपेटाइटिस के चार टाइप होते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं अपन. हेपेटाइटिस के चार टाइप होते हैं, कौन कौन से, ए बी सी डी एंड ई. चार टाइप के, सॉरी पांच टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं. अब देखिए यहां पर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो किससे होता है, फीको ओरल रूट से होता है, फीको ओरल रूट. ठीक है, नेक्स्ट बात करें हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी किससे होता है, कंटामिनेटेड ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड. हेपेटाइटिस ए को अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस. क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोलते हैं हेपेटाइटिस ए को. ठीक है, और हेपेटाइटिस बी को क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस. इसके अलावा बात करें अपन हेपेटाइटिस सी की, हेपेटाइटिस सी को क्या बोलते हैं अपन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल
हेपेटाइटिस, जो भी अपन कोई भी अगर ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूट करते हैं उसके बाद में जो हमें देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपके हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी कब होता है, जब एक बार अगर हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन हो जाता है तो उसी के साथ हमें क्या देखने को मिल सकता है, हेपेटाइटिस डी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अगर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी एक साथ देखने को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, को इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं, को इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और हेपेटाइटिस ई जो होता है फीको ओरल रूट से होता है। मोस्ट कॉमनली देखने हेपेटाइटिस ई जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके अंदर ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है किसका, हेपेटाइटिस ई का। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर सबसे ज्यादा जो रिस्क फैक्टर होता है किसका होता है, हेपेटाइटिस ई का रिस्क फैक्टर होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। समझ में आ गया सभी को, हेपेटाइटिस ए बी सी और डी। इनमें सबसे ज्यादा सीवियर होता है वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी होता है सबसे ज्यादा सीवियर। रीजन क्या होता है इसका, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। ध्यान रखना ओनली एक हेपेटाइटिस बी ऐसा होता है जिसके अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। रिमेनिंग जितने भी टाइप होते हैं हेपेटाइटिस के उन सभी में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बने होते हैं। हेपेटाइटिस बी के अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फीको ओरल रूट से कौन सा फैल रहा है, तो हेपेटाइटिस ए क्या होता है, ट्रांसमिट होता है बाय द फीको ओरल रूट। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों क्या होते हैं, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है कंटेमिनेटेड ब्लड से होता है, जिसको अपन बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस सी होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में अगर हमें हेपेटाइटिस सी कंडीशन देखने को मिलती है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल। और हेपेटाइटिस जो होता है जो कब होता है, आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी, और अगर ये दोनों साथ में देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं को इन्फेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिक्रीज बोन डेंसिटी इज कॉल्ड एज, डिक्रीज बोन डेंसिटी इज कॉल्ड एज। बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सभी स्टूडेंट आंसर दें, जितने भी स्टूडेंट लाइव है सभी आंसर दें। देखिए सबसे ज्यादा सीवियर जो होता है या मोस्ट जो कॉमन लीवर डिस्फंक्शन करता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, डिक्रीज द बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी डिक्रीज होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑप्शन ए क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। अगर बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है और कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। आपको पता है अपनी बॉडी के अंदर अगर बोन की जो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, यहां से बोन का जो कैल्शियम है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। मतलब एक होता है बोन डिपोजिशन, एक होता है बोन रिजॉर्प्शन। अगर बोन रिजॉर्प्शन हो रही है तो क्या हो रहा है उस कंडीशन में, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि बोन का कैल्शियम निकल के कहां चला जाता है, या सीरम में चला जाता है या फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है बोन रिजॉर्प्शन। अब अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए दो हॉर्मोन काम करते हैं, पहला है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज द सीरम कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है पैराथार्मोन। क्या होता है, पैराथार्मोन, ये क्या करता है, इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। मतलब कैल्सिटोनिन तो क्या कर रहा है, बोन डिपोजिशन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, बोन डिपोजिशन, बोन डिपोजिशन। और जो पैराथार्मोन होता है वो क्या करवाता है, बोन रिजॉर्प्शन, क्या करवाता है, बोन रिजॉर्प्शन। कैल्सिटोनिन क्या करेगा, सीरम कैल्शियम लेवल को कम करेगा, मतलब ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको डिपोजिट करवाएगा कहां पर,
बोन के ऊपर। और पैराथार्मोन क्या करता है, बोन में जो कैल्शियम है उसको कहां लेके आता है, सीरम के अंदर। ये दोनों हार्मोन क्या रहते हैं, एक दूसरे को इक्विलिब्रियम रखते हैं और बॉडी के अंदर कैल्शियम की जो क्वांटिटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर इन दोनों के अंदर कहीं भी चेंजेस आता है तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो डिस्टर्ब होगा। इसी के साथ यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बोन रिमोल्डिंग हार्मोन किसको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, पैराथार्मोन होता है उसको बोलते हैं बोन रिमोल्डिंग हार्मोन, बोन रिमोडलिंग हार्मोन कहलाता है। कौन? पैराथार्मोन। ठीक है, बोन रिमोडलिंग हार्मोन क्या, कौन सा होता है? पैराथार्मोन। अगर कहीं जो जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाती है उसके बाद में क्या होता है, बोन हील होती है और जहां से फ्रैक्चर साइट होती है वहां पर क्या होता है, एक्सेसिव कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। अब वो जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है वो एक ट्यूमर के रूप में अपने को शो होता है, ठीक है, उभार सा फील होता है। थोड़े दिनों बाद में क्या होता है, ऑटोमेटिक वो बोन वहां से क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। मतलब वो कैल्शियम जो था वो कहां चला गया, सीरम में या ब्लड में चला गया, किसकी हेल्प से, पैराथार्मोन की हेल्प से। इसलिए क्या किया, उस जो पैराथार्मोन था उसने क्या किया, बोन को वापस रिमोड्यूल कर दिया, जैसे एज इट इज पहले थी वैसे की वैसे उसने क्या किया, कैल्शियम को वहां से हटाया और ब्लड के अंदर भेज दिया और बोन क्या हो गई, एज इट इज जैसे पहले थी फ्रैक्चर से पहले वैसी हो जाती है। इसको बोलते हैं अपन बोन रिमॉडलिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, यहां पर कौन सा हार्मोन अगर ज्यादा हो सकता है तो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन देखने को मिल सकती है, मतलब बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है। तो बोन रिजॉर्प्शन कौन कर रहा है, पैराथार्मोन करता है, सीरम कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एडल्ट के अंदर जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब होती है तो दो कंडीशन होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, यहां पर देखिए एडल्ट एंड चाइल्ड की बात करते हैं अपन, एडल्ट एंड चाइल्ड। एडल्ट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, और चाइल्ड के अंदर क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, जो बोन होती है ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, बोन जो होती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। बोन क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, बोन के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इंफ्लामेशन, ठीक है। लास्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये क्या है, एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो क्या करती है, खुद की जो सेल्फ ओवन इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, खुद के ही जॉइंट्स या बोन्स के ऊपर क्या करती है, इंफ्लामेशन कॉज करती है, एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन होती है, ठीक है। ये तो हो गया अपना कौन सा, थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर अपना राइट आंसर क्या आएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। हर क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी भी हम कवर करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जैसे थ्योरी का चैप्टर हम सेपरेट लेकर चलते हैं तो चार दिन के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो करते रहना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एम्न्यूटमी इज डन बिकॉज इट, एम्न्यूटमी हम करते हैं क्यों, एनहेंस द एफेसमेंट, डिक्रीज द मैटरनल ब्लड प्रेशर, टू ट्रीट द पॉलीहाइड्रामनियोस एंड टू प्रोलोंग द लेबर। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर दीजिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो डिफरेंस है देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो सकता है, किसी इंजरी के कारण भी अगर जॉइंट्स के अंदर इंफ्लामेशन हो सकती है तो ऑर्थोआर्थराइटिस के अंदर ही कंडीशन में आएगा। अगर किसी ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन के कारण जॉइंट्स के अंदर इंफ्लामेशन हो रही है तो कंडीशन आएगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण, ठीक है। किसी बॉडी के अंदर अगर कोई भी इंफेक्शन है, वायरल है, बैक्टीरियल है, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी इम्यूनिटी है उसने क्या किया, खुद की सेल्फ इम्यूनिटी नहीं, खुद के जो जॉइंट्स हैं उनमें क्या करती है, इन्फ्लामेशन कॉज करती है, वो आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। एम्न्यूटमी करते हैं बिकॉज एनहेंस द एफेसमेंट, डिक्रीज द मैटरनल ब्लड प्रेशर, टू ट्रीट द पॉलीहाइड्रामनियोस एंड टू प्रोलोंग द लेबर। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है और आंसर दे रहे हैं सी, पर यहां पर देखिए पॉलीहाइड्रामनियोस की अगर ट्रीटमेंट की बात करें, एक बार हमने एम्न्यूटमी कर दी तो क्या होगा, उसके बाद में बेबी सरवाइव नहीं कर पाएगा, बेबी सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहां पर आपका आंसर होगा एनहेंस द एफेसमेंट, एफेसमेंट को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, एम्न्यूटमी करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सुनिए रेशनल, जब इंडक्शन ऑफ लेबर अपन करते हैं
इंडेक्शन ऑफ लेबर अपन स्टार्ट करते हैं अगर, तो उसके अंदर सबसे पहले अपन जो सर्वाइकल स्कोर चेक करते हैं फीमेल का, अगर फीमेल रेडी है लेबर के लिए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एमनियोटोमी करते हैं। एमनियोटोमी करने के बाद में क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, और उसके बाद में क्या होगा, इफेसमेंट। इफेसमेंट होने के बाद में क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन होगा। अगर हमें लेबर इंड्यूस करवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें एमनियोटोमी करनी पड़ेगी, और एमनियोटोमी मैंने आपको बताया था वहां से जो लोकल हार्मोन होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन वो सीक्रेट होते हैं। एमनियोटोमी के अंदर क्या होता है, जो एमनियन मेम्ब्रेन होती है उसको रप्चर करने के बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और वो क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो सबसे पहले क्या होता है, इफेसमेंट, आफ्टर दैट सर्वाइकल डायलेशन। पॉलीहाइड्रोमनिया का ट्रीटमेंट नहीं है ये, एमनियोटोमी पॉलीहाइड्रोमनिया का ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन ए अपना क्या आएगा, राइट आंसर होगा, समझ गए। जैसे हम जैसे मान लो, दोबारा समझिए, इंडक्शन ऑफ लेबर की प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज, हम क्या करेंगे, एमनियोटोमी करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वाइकल स्कोर चेक किया, मदर रेडी है लेबर के लिए, एमनियोटोमी किया। अब एमनियोन जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करती है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या एक प्रकार के क्या है, ऑक्सीटोसिक एजेंट की तरह काम करते हैं, किसकी तरह, ऑक्सीटोसिक एजेंट की तरह। अभी ऑक्सीटोसिक एजेंट जो होते हैं यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे। यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले अपने क्या देखने को मिलता है, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल इफेसमेंट। उसके बाद में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है। ये इफेसमेंट और डायलेशन दोनों डिफरेंट चीज है। इफेसमेंट के अंदर क्या होता है, जो सर्वाइकल मसल्स होती है मर्ज विद द लोअर यूटराइन सेगमेंट ऑफ यूट्रस, जो लोअर यूटराइन सेगमेंट होता है यूट्रस का, उसकी मसल्स के साथ सर्वाइकल मसल्स क्या होती है, मर्ज हो जाती है, और आफ्टर दैट क्या होता है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है। ये होता है प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर, पहले इफेसमेंट होता है फिर सर्वाइकल डायलेशन होता है। मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो दोनों के अंदर क्या होता है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ होता है। तो एमनियोटोमी जैसे ही करेंगे उसके बाद में क्या होगा, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन और इफेसमेंट। तो इफेसमेंट को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, एमनियोटोमी करते हैं, मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर एमनियोटोमी हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इफेसमेंट करवाना है, और इफेसमेंट के बाद में क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन, फिर जो लेबर की प्रोसेस है वो इजी वे में हो जाएगी, ठीक है। एमनियोटोमी का मतलब होता है जो एमनियन मेम्ब्रेन को अपन रप्चर करते हैं, ठीक है। मैंने आपको इंडक्शन ऑफ लेबर में पढ़ाया था, किलेंट फोर्सेप की हेल्प के द्वारा क्या करते हैं, अपन एमनियन को रप्चर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नीचे जो ऑप्शन दिए गए उनसे देखो, डिक्रीज द मैटरल ब्लड प्रेशर, तो यहां पर ब्लड प्रेशर से कोई रिलेशन नहीं है एमनियोटोमी का, टू ट्रीट द पॉलीहाइड्रोमनिया, पॉलीहाइड्रोमनिया का ट्रीटमेंट नहीं है ये। अगर हम पॉलीहाइड्रोमनिया की कंडीशन की बात करें तो जैसे ही हम एमनियोटोमी करेंगे कंप्लीट एमनियोटिक फ्लूइड एक्सपेल आउट हो जाएगा, तो बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, समझ गए। और लास्ट टू प्रोलॉन्ग द लेबर, तो ये तो जस्ट अपोजिट है, अगर हम एमनियोटोमी करेंगे तो लेबर की प्रोसेस तो क्या हो जाएगी, कट शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, और जल्दी जो लेबर की प्रोसेस है हमें देखने को मिलेगी। तो अपना ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या यूट्राइन कैंसर। आप सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर कोज करता है, ठीक है। और इसके टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, पैप स्मियर अपन कलेक्ट करते हैं, और सर्विक्स से क्या करते हैं, स्वाब कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल होती है, सभी स्टूडेंट आंसर दे इसका, क्वेश्चन नंबर 6, एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होती है वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन किससे बनी होती है,
अब जिसके सेपरेट टाइप की बात करते हैं उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। देखिए पांच टाइप की होती है, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। सिंपल याद रख लिया आप, गम दे, ठीक है। अब देखिए ये पांच इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, अब हम पांचों की बात करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन या सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो प्रेजेंट होती है कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है। कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। अप्रोक्सीमेट 80% 80% जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, ठीक है। 80% प्रेजेंट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इसके बाद में बात करते हैं अपन आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसकी जो रेशियो होता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 13% होती है। आईजीएम जो होती है अप्रोक्सीमेट 6% और आईजीजी और आईजीडी होती है वो दोनों कितनी होती है, 1%, ठीक है। अब यहां पर देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होती है वो ऑल बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है, किसमें, ऑल बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है। मतलब कई बार क्वेश्चन आता है कि मदर से जो फीटस को, मदर से न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर होती है बाय द ब्रेस्ट मिल्क, वो कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है वो किससे ट्रांसफर होती है, मदर से बेबी को बाय द ब्रेस्ट मिल्क। ऑल बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है लाइक एज सेलाइवा, टीयर, ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड वेजाइनल सीक्रेशन, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अलग बात, अलग यहां से बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होती है एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो बाय द फीटस, बाय द प्लेसेंटा, मदर टू फीटस के अंदर ट्रांसफर होती है। ये भी यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। नेक्स्ट वन बात करें आईजीएम, आईजीएम क्या होती है, अगर किसी न्यूबॉर्न में या इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर किसी बेबी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रेजेंट है तो वो क्या शो करती है, इंफेक्शन को। सबसे पहले बॉडी के अंदर इंफेक्शन होते ही सबसे पहले जो एंटीबॉडी अपियर होती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन अपियर होती है वो कौन सी होती है, आईजीएम। फर्स्ट अपियर एट इंफेक्शन, फर्स्ट अपियर एट इंफेक्शन, इन्फेक्शन होने के बाद में सबसे पहले जो एंटीबॉडी, सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन जो दिखाई देती है हमें कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। समझ आ गया। यहां पर बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इसे हम बोलते हैं सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं, सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। जो बीटा लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट, उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होती है कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट होती है इसलिए इसको बोलते हैं सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अगर बॉडी फ्लूइड की बात करें तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन डी, ठीक है। लास्ट वन बात करते हैं आईजीई, ये होती है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई रेस्पॉन्सिबल होती है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया सभी को, यहां से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको इम्यूनोग्लोबुलिन से तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिया। दोबारा देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होती है वो 80% होती है, इसको हम बोलते हैं सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर है, सीरम के अंदर सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और ये एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो मदर टू फीटस बाय द प्लेसेंटा ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये होती है 13% और इसके अंदर ये जो होती है कंप्लीट ऑल बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑल बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होती है। और मदर टू फीटस बाय द ब्रेस्ट मिल्क जो ट्रांसफर होती है वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आईजीएम,
ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 6% होती है और ये फर्स्ट ऐसी एंटीबॉडी होती है, सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो कब अपीयर होती है? आफ्टर इंफेक्शन। जैसे ही कोई इंफेक्शन हुआ तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी हमें दिखाई देगी ब्लड में वो कौन सी होगी? इम्यूनोग्लोबुलिन एम। अगर अभी जैसे मान लो किसी बेबी की डिलीवरी हुई है, उसका हमने ब्लड सैंपल लिया और हमें दिखाई दी उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एम, तो हम क्या मान सकते हैं ये कि इननेट इंफेक्शन है। क्या है? कोई भी बाय बर्थ इसको इंफेक्शन प्रेजेंट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आईडी, आईजीडी, सरफेस इम्यूनोग्लोबिन, बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। लास्ट है इम्यूनोग्लोबिन ई, जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या किसी भी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। समझ में आ गया? प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी ट्रांसफर होती है, इम्यूनोग्लोबिन जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द पुरुलेंट डिस्चार्ज कलर इज, पुरुलेंट डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? एक कोई भी ऐसा बॉडी का सिक्रेशन या डिस्चार्ज जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? पस प्रेजेंट हो। क्या हो? पस प्रेजेंट हो। अब पस का जो कलर होता है वही क्या होगा अपना? पुरुलेंट डिस्चार्ज का कलर। तो यहां पर देखिए येलो कलर होता है। क्या होता है? येलो कलर होता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव के रिगार्डिंग बात करें तो वहां पर देखिए पुरुलेंट सर्वाइकल सिक्रेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पुरुलेंट सर्वाइकल सिक्रेशन। कौन सी कंडीशन के अंदर? क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस। क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस जो होती है कंडीशन, उसमें क्या होता है? पुरुलेंट सिक्रेशन देखने को मिलता है, पुरुलेंट सर्वाइकल सिक्रेशन देखने को मिलता है। किसके द्वारा होता है ये? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। किसके द्वारा? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है? पुरुलेंट पस सिक्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछ ले, कंडीशन होती है यहां पर एक मोनेलियसिस। ठीक है, मोनेलियसिस की कंडीशन होती है किसके द्वारा होती है? कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? थिक एंड वाइड कर्डी सीक्रेशन। थिक एंड वाइड कर्डी सीक्रेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकेंस में देखने को मिलते हैं थिक एंड वाइड कर्डी सीक्रेशन। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के अंदर देखिए, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के अंदर देखने को मिलते हैं अपने को पुरुलेंट पस सीक्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एन एंटीनेटल मदर विथ ट्विन प्रेगनेंसी फॉर दिस टाइम एंड ऑलरेडी हैव वन चाइल्ड दिस मदर इज। क्वेश्चन को पढ़े आप, एंटीनेटल मदर है। ठीक है, मतलब एट द टाइम क्या है? प्रेगनेंसी विथ ट्विन प्रेगनेंसी है फॉर दिस टाइम एंड ऑलरेडी हैव वन चाइल्ड। सो दिस मदर, इसका GTPAL स्कोर हमें बताना है। पहले से एक बेबी है और अभी जो है ट्विन प्रेगनेंसी है, एंटीनेटल पीरियड पर है, तो इसका GTPAL स्कोर कितना होगा? GTPAL स्कोर कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, सिंपली मैंने इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो आप देखिए इसका GTPAL स्कोर कितना होगा। यहां पे देखिए इसके अंदर अपन क्या चेक करते हैं? फर्स्ट जी का मतलब होता है ग्रेविडा, टी का मतलब होता है टर्म, पी का मतलब होता है प्री टर्म, ए होता है अबॉर्शन एंड एल होता है लाइव। तो यहां पर देखिए ग्रेविडा की बात करें तो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, मतलब जी कितना आएगा अपना? 2।
नेक्स्ट बात करें टर्म डिलीवरी की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो ऑलरेडी इसको कितना है, वन चाइल्ड है, ठीक है। तो टर्म क्या हो गया अपना, वन। अगर इसके अंदर नहीं बता रखा है कि प्री टर्म नहीं है तो अपन क्या मानेंगे, टर्म डिलीवरी मानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्री टर्म। तो प्री टर्म यहां पर कुछ बता नहीं रखा हमें, तो कितना होगा, जीरो। ए का मतलब होता है अबॉर्शन, अबॉर्शन अपने क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया, क्या होगा, जीरो। और एल का मतलब होता है लाइव बेबी, तो लाइव बेबी कितना है यहां पर, वन है, तो अपना क्या हो गया, वन। तो आप इसको देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर, जी टू टी वन पी जीरो ए जीरो एल वन। सो अपना क्या है, ऑप्शन ए क्या है अपना, राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर अगर आपको पैराइटी और पूछे, तो पैराइटी का मतलब होता है जो पी एक होता है पैरा या पैराइटी, पैराइटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉसेस 22 वीक, हु क्रॉसेस 22 वीक ऑफ जेस्टेशन। प्रीवियस प्रेगनेंसी जिसने 22 वीक क्रॉस कर लिए हो, अगर यहां पर आपको पी पूछे तो पी कितना आएगा अपना, वन होगा। पी कितना होगा अपना, वन होगा, क्योंकि ऑलरेडी वन चाइल्ड है, मतलब उसने क्या किया था, 22 वीक क्रॉस कर लिए थे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, हर एक क्वेश्चन को आपको रेशनल के साथ समझाया जा रहा है। और यह आपके लिए सीएचओ के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको चार मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। चार मॉक टेस्ट के अंदर आपको 100-100 क्वेश्चन मिलेंगे, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने पेपर तैयार किया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और रेगुलर जो हमारी क्लासेस हो रही है, थ्योरी की क्लासेस से हम इतना जल्दी कोर्स कवर नहीं करा पाते, इसलिए आपके लिए स्पेशल ग्रेस कोर्स चला गए। और चार दिन तक आपकी कंटिन्यूस सीएचओ के क्वेश्चंस की क्लास होगी, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चंस को विद रेशनल और हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे 20 क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, तो उन 20 क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को अगर हम बात करें, तो 20 क्वेश्चन में आपको 80-100 क्वेश्चन समझ में आएंगे, और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपको थ्योरी भी हम साथ साथ बता रहे हैं। तो रेगुलर आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे सपोर्टिंग नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा वो चार टेस्ट की टेस्ट सीरीज थी, और इसके अलावा एक न्यू टेस्ट सीरीज है जो हमने आज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये हमने एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, और सिंपली आप वहां पे लॉग इन करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अब चार दिन आपके पास है, अब चार दिन के अंदर आप चाहो तो आप 1000 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, चाहो तो आप 2000 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, आपके हाथ में है। क्वेश्चन हम आपको यहां से दे रहे हैं, क्लासेस के अंदर आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो जितना ज्यादा है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थ्योरी के अभी आप जितनी पढ़नी थी वो आपने पढ़ ली, अब उस थ्योरी को आप अप्लाई करो अपने क्वेश्चंस के ऊपर, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। क्लासेस के अंदर भी आपको मल्टीपल चॉइस हम आप क्वेश्चन दे रहे हैं, और रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी आपके चार दिन तक। तो कंटिन्यू आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और आप अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर भी इसको शेयर करें। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें कोचिंग प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, और उन्हें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पता नहीं है, तो उन तक इसी सिर्फ आप पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आपका सपोर्ट आप कंटिन्यू रखें हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम प्रोटीन व्हेन यू टेक इन 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन, व्हाट एंड यू हैव रिसीव ए टोटल ऑफ 2400 किलो कैलोरी। अगर हम बात करें, हमने क्या किया है, 60 ग्राम प्रोटीन कंजप्शन की है, तो 2400 किलो कैलोरी हमें क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। 2400 किलो कैलोरी क्या है, हमने टोटल एनर्जी कंज्यूम की, उसके अंदर 60 ग्राम प्रोटीन थी, तो इस प्रोटीन का इस एनर्जी के अंदर कितना परसेंट पार्ट था, क्वेश्चन आपको पूछा है। देखिए पंजाब सीएचओ की बात करें आप, तो उसके अंदर भी सेम सिलेबस होगा, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो अलग हैं, वो हम 11 तारीख से आपको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। 5 दिन के अंदर हम पंजाब सीएचओ की रिगार्डिंग जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनकी भी क्लासेज लगवा देंगे। बाकी जो कम्युनिटी है, पीडिया है, फंडामेंटल है, सॉरी ओबीजी है, और न्यूट्रिशन है, एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, वो आपको यहां से क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा आपकी फार्माकोलॉजी है, वो हम आपको अलग से 11 तारीख से स्टार्ट करेंगे पंजाब के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, 60 ग्राम प्रोटीन हमने कंजप्शन की है, तो 2400 किलो कैलोरी हमने टोटल रिसीव किए, इसके अंदर इस प्रोटीन का कितना रेशियो होगा,
सभी स्टूडेंट आंसर दें, सॉल्व करें आप क्वेश्चन को, आप आराम से देखें, सॉल्व करें और आंसर दें। आपको पता होना चाहिए जो प्रोटीन होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है हमें, 1 ग्राम प्रोटीन जो होती है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, फैट 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी। अब यहां पर देखिए 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड की है 1 ग्राम प्रोटीन ने। अब यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया, 60 मल्टीप्लाई 4 कितनी हो गई, 240, 240 किलो कैलोरी। ठीक है, देखिए ये तो 240 किलो कैलोरी है। अब इसका परसेंटेज रेशियो पूछा है, आप जो 4 निकाल रहे हो एक बार उसको सही सॉल्व करें आप, 60 ग्राम है, 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी दे रही है, तो सिंपली आ गया 240 किलो कैलोरी। ये तो किलो कैलोरी के अंदर हमें एनर्जी पता चल गई। अब इसका परसेंटेज रेशियो निकालना है 2400 के अंदर, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा अपने 10%, कितना आएगा 10%। तो यहां पर हमने 60 ग्राम जो प्रोटीन कंजप्शन की है वो इस 2400 किलो कैलोरी का 10% पार्ट है। कितना है, 10% पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें एनर्जी या जो किलो कैलोरी है वो कितनी रिक्वायरमेंट, कितनी हमें मिल रही है। अगर हम बात करें 1 ग्राम फैट से तो 9 किलो कैलोरी ध्यान रखना, और प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उनसे 4 किलो कैलोरी मिलती है 1 ग्राम से। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की मार्जिन से अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है तो कौन सी कंडीशन है, बैटल डोर प्लेसेंटा, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन एंड वेलमेंटस प्लेसेंटा। आपको पता है प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा का जो सेंटर होता है, प्लेसेंटा के सेंटर से क्या जुड़ा होना चाहिए, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होना चाहिए। ये मान लो प्लेसेंटा है और यहां से सेंटर से क्या होना चाहिए, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ऐसे ना होकर यहां पेरिफेरल से जुड़ रही है, ठीक है, अटैच टू द मार्जिन, या तो यहां से जुड़ सकती है या फिर यहां से जुड़ सकती है। तो जब मार्जिन से अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, बैटल डोर प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा ले आपको सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, वेलमेंटस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, तो ये क्या होते हैं, समझने की कोशिश करना। देखिए यहां पर बात करते हैं सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। अब मैंने आपको बताया था जो प्लेसेंटा की 2 सरफेस होती है, एक होती है मैटरनल सरफेस, एक होती है फीटल सरफेस। मैटरनल पार्ट और फीटल पार्ट 2 पार्ट होते हैं, 2 सरफेस होती है। मैटरनल सरफेस जो होती है वहां किससे अटैच होती है, जो डेसिडुआ होती है, मतलब डेसिडुआ जो बेसिलस पार्ट होता है वो मदर से अटैच होता है, और जो फीटल सरफेस होती है वहां पर क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड आकर अटैच होती है। ठीक है, अब जहां से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है फीटल पार्ट पर, वहां पर क्या होता है, कई बार एमनियोन और कोरियोन के डबल फोल्ड हो जाते हैं, एमनियोन और कोरियोन के डबल फोल्ड देखने को मिलते हैं, जिसके कारण फीटल सरफेस पर थिक ग्रेइश व्हाइट रिंग का फॉर्मेशन होता है। थिक ग्रेइश व्हाइट रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्यों हुआ, ड्यू टू द डबल फोल्ड ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन, ड्यू टू द डबल फोल्ड ऑफ एमनियोन एंड कोरियोन। क्या होता है यहां पर, फीटल सरफेस के ऊपर हमें एक व्हाइट थिक ग्रेस रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कमवेलेट प्लेसेंटा। समझ में आ गया,
दोबारा समझने की कोशिश करना, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा के दो सरफेस होती है, एक होती है मेटरनल सरफेस, एक होती है फीटल सरफेस। मेटरनल सरफेस मदर से अटैच होती है विद द डेसिडुआ बेसिलिस, और फीटल सरफेस होती है उससे अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है। अब जहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगा वहां पर एमनियन और कोरियन कवरिंग की हुई होती है अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो वो क्या होती है, डबल फोल्ड हो जाते हैं वहां पर कई बार, और डबल फोल्ड के कारण थिक ग्रेस व्हाइट रिंग दिखाई देती है जिसको बोलते हैं अपन सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, ये तो दो होती है एमनियन और कोरियन, समझ में आ गया। लास्ट है वेलमेंटस प्लेसेंटा। अब वेलमेंटस प्लेसेंटा क्या होती है, यहां पर देखिए प्लेसेंटा के अंदर मैंने आपको बताया था मैटरनल और फीटल क्या होते हैं, विलाई सिस्टम होता है। मैटरनल पार्ट में क्या होता है, इंटरविलस स्पेस, क्या होता है, इंटरविलस स्पेस होता है जिनमें 150 ml ब्लड फिलअप होता है। जबकि फीटल पार्ट की बात करें तो यहां क्या होता है, विलाई सिस्टम होता है, विलाई सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें कौन सी विलाई होती है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी विलाई होती है। प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन होता है 13 डेज पे, सेकेंडरी का होता है 16 डेज पे, और टर्सरी विलाई का होता है 21 डेज पे। और 21 डेज पे जो टर्सरी विलाई फॉर्मेशन होता है वो ही होती है क्या, वैस्कुलर विलाई। प्राइमरी और सेकेंडरी विलाई क्या होती है, एवैस्कुलर। टर्सरी विलाई क्या होती है, वैस्कुलर विलाई। इसलिए तो हम बात करें फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है कब होता है, 21वें दिन पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे थे वेलमेंटस प्लेसेंटा की। तो वेलमेंटस प्लेसेंटा के अंदर समझना कि जो विलाई होती है वो प्लेसेंटा के एंटर, प्लेसेंटा के अंदर एंटर होने के बाद में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहां पहले तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गई ना, अगर ये विलाई जो है वो प्लेसेंटा के अंदर एंटर होने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, यहीं पर क्या हो गया, ये विलाई ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई प्लेसेंटा के अंदर एंटर होने से पहले ही, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे वेलमेंटस प्लेसेंटा। वेलमेंटस प्लेसेंटा किसको बोलेंगे, अगर विलाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिफोर द एंट्री ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इनटू द प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड के प्लेसेंटा के अंदर एंट्री से पहले ही अगर विलाई डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसको बोलते हैं अपन वेलमेंटस प्लेसेंटा। ये तो है नॉर्मल, यहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड अंदर एंटर किया प्लेसेंटा में, आफ्टर दैट क्या हुआ, विलाई क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहां पर यह है अम्बिलिकल कॉर्ड, यह है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होने से पहले ही अगर विलाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कंडीशन कहलाती है वेलमेंटस प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्लेसेंटा की मैंने आपको फॉर्मेशन पढ़ा दिया है, इसकी डिजीज कंडीशन है वो हम एबनॉर्मल ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर पढ़ेंगे जब हम थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, साइलेंट अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज, साइलेंट अबॉर्शन किसे बोलते हैं, कंप्लीट अबॉर्शन, इनविटेबल अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन एंड सेप्टिक अबॉर्शन। तो साइलेंट अबॉर्शन का दूसरा नाम आपको पूछा है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कुछ कई बार जैसे नाम अगर आपको कंफ्यूजन कर सकता है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर दे, साइलेंट अबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज, साइलेंट अबॉर्शन का दूसरा नाम क्या होता है बताइए। देखिए साइलेंट अबॉर्शन ऑल्सो नोन एज, साइलेंट अबॉर्शन क्या कहते हैं अपन, मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। अब मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है, फीटस क्या होता है, फीटस जो होता है डेड इन यूट्रस एंड रिमेन इनसाइड, एंड रिमेन इनसाइड, मतलब फीटस जो होता है वो यूट्रस के अंदर डेड हो जाता है और यूट्रस के अंदर ही रहता है। फीमेल इज अनअवेयर, फीमेल जो होती है वो इसके लिए अनअवेयर रहती है, फीमेल अनअवेयर, फीमेल को इस कंडीशन का पता नहीं रहता कि जो फीटस है उसकी इंट्रायूटराइन डेथ हो चुकी है, क्योंकि एक्सपल्शन तो होता नहीं है फीटस का, फीटस डेड होकर क्या आता है, इंट्रायूटराइन जो यूट्रस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। इसके साथ प्रेगनेंसी सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, प्रेगनेंसी की जो सिम्टम्स है, प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या हो जाते हैं,
सबसाइड हो जाते हैं। ऐसा ही मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको लास्ट टाइम भी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। वो कौन सा अबॉर्शन था? मिस्ड अबॉर्शन। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेगनेंसी का सिम्टम सबसाइड हो जाता है और अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो होता है मिस्ड अबॉर्शन। ठीक है, तो देखिए मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, फीटस जो होता है वो डेड इन द यूट्रस एंड रिमेन इनसाइड, एक्सपेल आउट नहीं होता है, अंदर ही रहता है। फीमेल इज अनअवेयर, फीमेल इसके बारे में अवेयर भी नहीं रहती है, और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। यही कहलाता है साइलेंट अबॉर्शन, साइलेंट अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन की क्लास भी आपकी करवाएंगे थ्योरेटिकल क्लासेस के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है। देखिए कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, जो भी अबोर्टस है, मतलब जो भी फिटल पार्ट था जो डेड हो जाता है उसको बोलते हैं अपन अबोर्टस। अबॉर्शन के अंदर जो भी पार्ट होता है डेड पार्ट, उसको अपन बोलते हैं अबोर्टस। ठीक है, तो अबोर्टस जो होता है वो कंप्लीट एक्सपेल आउट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। ठीक है, इनविटेबल अबॉर्शन क्या कहलाता है, इनविटेबल अबॉर्शन में क्या होता है, स्लोली प्रोग्रेस ऑफ अबॉर्शन, स्लोली प्रोग्रेस ऑफ अबॉर्शन एंड reach up to the level where the pregnancy does not continue, where the pregnancy does not continue। जो abortion की process है वो slowly start होती है और उस level तक पहुंच जाती है जहां से pregnancy को continue रखना possible नहीं है, फिर हमें उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, डायलेटेशन या इवैक्यूएशन। ठीक है, तो स्लोली प्रोग्रेस ऑफ द अबॉर्शन एंड जो प्रोसेस होती है अबॉर्शन की, वो वहां तक पहुंच जाती है जहां से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रख पाना पॉसिबल नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन इनविटेबल अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन क्या कहलाता है, किसी भी इंफेक्शियस कंडीशन के कारण अगर अबॉर्शन देखने को मिलता है, किसी भी इंफेक्शन के कारण अगर अबॉर्शन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं अपन सेप्टिक अबॉर्शन। अबोर्टस का मतलब होता है जो भी फीटल प्रोडक्ट था जो अबोर्ट हो चुका है उसको बोलते हैं अपन अबॉर्शन, अबोर्टस सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट करते हैं, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपको हर एक क्वेश्चन का रेशनल बताया जा रहा है। चार दिन के लिए आपकी क्रैश कोर्स क्लासेस स्टार्ट की गई है, जिनके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहां पर सोल्व करवाएंगे। इसी के साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज आप हमारी वेबसाइट Rjcareerpoint पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप सपोर्ट नंबर जो हमारा दिया गया है 9024103614 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें आप चार दिन के लिए। ठीक है, तो देखिए सभी का ऑप्शन सी राइट आंसर है अपना, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, 1 अगस्त टू 7 अगस्त। क्या सेलिब्रेट करते हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या 1 टू 7 अगस्त क्या करते हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द हाइट ऑफ यूट्रस, ये मैंने आपको क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया है और इस बार क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, आप सभी इसका आंसर दें। ठीक है, द हाइट ऑफ यूट्रस एट मिड वे बिटवीन जीफोइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस With engagement at period of gestational age, सभी स्टूडेंट इसका आंसर दें। मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 से 3 बार करवा दिया है। देखिए सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी इंफेक्शियस कंडीशन के कारण अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है, किसी भी इंफेक्शन के कारण अगर अबॉर्शन हो गया उसको बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन, सिंपल सा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़े आप, क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ यूट्रस एट मिडवे, यूट्रस की हाइट कहां पर है, मिडवे, इन बिटवीन
ज़िफर्ड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस विद द एंगेजमेंट. यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है. एंगेजमेंट के साथ जो यूट्रस की हाइट है कहां पर है? बिटवीन ज़िफर्ड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस. बहुत से स्टूडेंट रॉन्ग आंसर भी दे रहे हैं और बहुत से राइट आंसर भी हैं. आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन के अंदर बताया है विथ एंगेजमेंट. यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है. ठीक है, देखिए दोबारा समझना इस क्वेश्चन को. मैंने आपको बताया था एट सिम्फाइसिस प्यूबिस पर बात करें तो कब होता है? 12वें वीक पर. कब होता है? 12वें वीक पर. कहां पर होता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस पर होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन अम्बिलिकस पर. अम्बिलिकस 22 to 24 वीक. इसके बाद बात करें अपन ज़िफर्ड प्रोसेस पर. कब होता है? एट 36 वीक पर. कहां होता है? ज़िफर्ड प्रोसेस पर होती है. यूट्रस की हाइट या फंडल हाइट, सिम्फाइसल फंडल हाइट की बात करते हैं. ठीक है, अब यहां पर देखिए मिडवे के बारे में पूछा है आपको. कहां पर पूछा है? मिडवे बिटवीन ज़िफर्ड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस. अब देखिए ज़िफर्ड प्रोसेस और अम्बिलिकस के बीच की बात कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो फंडस की हाइट होती है वो दो बार आती है. कब? जब एक बार यूट्रस के अंदर जो फीटल ग्रो कर रहा है उस टाइम में क्या होगा? सिम्फाइसल फंडल हाइट इंक्रीज होगी. जब उसके बाद में एंगेजमेंट होता है तो वापस सिम्फाइसल फंडल हाइट डिक्रीज भी तो होती है. तो दो टाइम में क्या होता है? सिम्फाइसल फंडल हाइट इन बिटवीन ज़िफर्ड प्रोसेस और अम्बिलिकस पर देखने को मिलती है. तो यहां पर देखिए एक बार इंक्रीज हो रही है फिर उसके बाद डिक्रीज हो रही है. जब इंक्रीज हो रही है तब मिडवे की बात करें तो कितने वीक पर होती है? 32 वीक पर. लेकिन इस टाइम में जो एंगेजमेंट होता है वो एबसेंट होता है. एंगेजमेंट एबसेंट होता है 32 वीक पर, क्योंकि इस टाइम में क्या हो रहा है? सिम्फाइसल फंडल हाइट इंक्रीज हो रही है. जब एक बार टर्न कंडीशन पे पहुंच जाता है ज़िफर्ड प्रोसेस पे एट 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, आफ्टर दैट क्या होता है? डिसेंट. क्या होता है? डिसेंट या डिक्रीज होती है फंडल हाइट. और यहां पर मिडवे पर आते आते कितने वीक पर आ जाता है? एट 40 वीक विथ एंगेजमेंट 40 वीक पर एंगेजमेंट होता है. और 40 वीक पर जो सिम्फाइसल फंडल हाइट होती है वो कहां पर होती है? मिडवे इन बिटवीन ज़िफर्ड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस. और एंगेजमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया था. फीटल हेड कहां होता है? स्टेशन जीरो पर क्या होता है? फीटल हेड होता है. और स्टेशन क्या होता है? रिलेशन ऑफ फीटल हेड फ्रॉम इस्चियल स्पाइन. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया और कुछ स्टूडेंट की क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत आई होगी, तो इसको ध्यान रखें आप. मैंने सेम एज इट इज पूरा प्रोसेस बता के ये क्वेश्चन 3 से 4 बार सोल्व करवा दिया है क्लास के अंदर. फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट इसका रॉन्ग आंसर करे तो आप क्वेश्चन को आप आराम से पढ़े. मैं जो बता रहा हूं उस चीज को, हर चीज को आराम से देखे. हर एक यहां पर जो हर एक लाइन लिखी जा रही है वहां से क्वेश्चन आ सकता है CHO की एग्जाम में. मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ थ्योरी करवा रहा हूं, इसका मतलब है कि वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है. अदरवाइज हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करवा के एक ऑप्शन के भी आपको राइट आंसर बता सकते हैं. ठीक है, हम आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है. क्वेश्चन के साथ थ्योरी कवर करवा रहे हैं, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्वेश्चन को आप पढ़े, थ्योरी क्लासेस आपकी लग रही है उनको भी आप अच्छे से पढ़े. ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करवाया जा रहा है, सोल्यूशन आपको बताया जा रहा है, तो वहां से क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे. और यहां से मैं आपको जितनी भी क्लासेस होंगी 4 दिन के अंदर और हमारी टेस्ट सीरीज से उसमें 70-80% कवर करेगा CHO की एग्जाम में. और CHO की लास्ट से 10-15 डेज में हमारी जो क्लासे हो गई है और आने वाले 4 दिन में जो क्लासेस होंगी और उसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट, अगर आप उनको कवर अप करके चलते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है. ठीक है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ले. आज नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हमने, 5 टेस्ट है उसको आप देखें. उसके अंदर हमने लेटेस्ट पैटर्न पे हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया है. ठीक है, कोई दिक्कत आती है आप हमें
कोई भी अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 10 तारीख तक आपकी कंप्लीट हेल्प रहेगी। ठीक है, सीएचओ के अंदर जितने भी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि उन सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप पढ़ें आराम से, उसके बाद में आंसर दें। ठीक है, देखिए 40 वीक पर क्या हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है। ठीक है, 40 वीक पर एंगेजमेंट हो रहा है। यहां पर देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे फीटल हाइट इंक्रीज हो रही थी तब भी मिडवे में था, सिंपाजल फंडल हाइट मिडवे पर थी, इन बिटवीन जीफर्ड प्रोसेस और अम्लाइकस, लेकिन उस टाइम में जो जेस्टेशनल एज थी कितनी थी, 32 वीक थी। ठीक है, अब वापस बात करें अपन, जैसे ही टर्म कंडीशन पे पहुंचता है 36 वीक पे, उसके बाद में क्या होता है, डिसेंट होता है फीटस, और डिसेंट होकर कहां पे आ जाएगा, वापस मिडवे में आ जाएगा, और वहां तक जेस्टेशनल एज कितनी हो जाएगी, 40 वीक हो चुकी होगी, और इस 40 वीक पर एंगेजमेंट प्रेजेंट होता है, और एंगेजमेंट होता है स्टेशन जीरो पर फीटल हेड प्रेजेंट होता है। स्टेशन क्या होता है, रिलेशन ऑफ द फीटल हेड फ्रॉम इस्टेल स्पाइन। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहां पर अगर आपको एक बार जो क्वेश्चन हमने सोल्व करवा दिया है, वो क्वेश्चन तो आपका कंफर्म सही होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, सपोर्ट नंबर पहले हमने दूसरे थे तो अब आप चेंज कर दिए गए हैं, 9024103614 है। ठीक है, उन पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्लासेस के अंदर जो कमेंट से पर्सनल चैट कर रहे हैं उसको कुछ देर के लिए अवॉइड करें, पूरा फोकस क्लास पे रखें। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचआईवी कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी डीकंटामिनेटेड बाय द एजेंट। एचआईवी जो कंटामिनेटेड कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको डीकंटामिनेटेड किसके द्वारा किया जाता है, फर्स्ट है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सेवलोन, डिटोल एंड मेथेनॉल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, यहां तक कि एम्स के एग्जाम में भी 3 से 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, बार बार हमने आपको भी यहां से 2-3 बार करवा दिया है, आपको कंफर्म याद रहे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते ही टिक करना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्या होता है, जो भी एचआईवी कंटामिनेटेड बेड लिनेंस हो सकते हैं, या कई बार जैसे क्वेश्चन पूछता है आपको कि एचआईवी कंटामिनेटेड ब्लड जो है फर्श पर स्पॉल हो जाता है, तो उस फर्श को भी अपन किससे साफ करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन करते हैं। समझ में आ गया, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट इन द सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वर्टेक्स, फुट, बटेक्स एंड फेस। तो देखिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर 3 प्रेजेंटिंग पार्ट देखने को मिल सकते हैं, फेस, वर्टेक्स और ब्रो, जिनके अंदर 96% जो देखने को मिलता है कौन सा होता है, वर्टेक्स। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, वर्टेक्स 96% केसेस के अंदर। तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है सिफेलिक के अंदर, वर्टेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16। कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, उन पे भी आप फोकस करें, कई बार सिंपल क्वेश्चन को अपन आराम से नहीं पढ़ते तो रॉन्ग करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज जनरली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, इनमें से कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, कोलेरा, रेबीज एंड येलो फीवर, इनमें से कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर। फेस में कौन सा होता है, देखिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट फेस होता है, अलग से फेस के अंदर नहीं बात कर सकते अपन, वो अपन बात करते हैं डिनोमिनेटर की। ठीक है, जो फेस प्रेजेंटेशन होती है प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर, डिनोमिनेटर होता है फेस के अंदर मेंटम। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के अंदर हम लाइव वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड नहीं करते, तो यहां पर हेपेटाइटिस बी क्या है, लाइव वैक्सीन नहीं है, कोलेरा भी नहीं है, रेबीज भी नहीं है, येलो फीवर जो होती है वो क्या होती है, लाइव वैक्सीन होती है। और लाइव वैक्सीन, हम जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या किया है, सिर्फ बैक्टीरिया जो वायरस है
जैसे मान लो कोई लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है, ठीक है, अब प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि उसके अंदर हम लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। इसका रीजन सुन लीजिए आप कि प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा क्या स्पेशल हमें कौन सी कंडीशन हो जाती है ताकि हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। इसका रीजन देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव एक्टिविटी शो करता है। क्या करता है? इम्यूनो सप्रेसिव एक्टिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी जो होती है वो फीटस को एक फॉरेन पार्टिकल मानती है ताकि उसको प्रिवेंट कर सके। फॉरेन पार्टिकल अगर होगा तो बॉडी क्या करेगी, उसको एक्सपेल आउट कर देगी। तो इसके लिए प्रोजेस्टेरोन हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखता है, और सप्रेस इम्यूनिटी के अंदर अगर हम लाइव वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या कर सकता है, डिजीज कोज कर सकता है। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी सप्रेस होती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, येलो फीवर के अंदर क्या है, लाइव वैक्सीन है, तो ये क्या कर सकता है, डिजीज कोज कर सकता है। क्योंकि लाइव अटेंडेड वैक्सीन के अंदर क्या करते हैं अपन, सिर्फ जो बैक्टीरिया होती है उसकी विरुलेंस पावर को डिक्रीज कर देते हैं, बाकी बैक्टीरिया लाइव होता है, सिर्फ विरुलेंस पावर या उसकी जो डिजीज प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको सूटेबल कंडीशन मिल जाए, इम्यूनिटी अपनी अगर एक्शन नहीं करे तो वो डिजीज कोज कर सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के अंदर लाइव वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अटेन्यूएटेड का मतलब होता है उसकी विरुलेंस पावर को कम करना। अटेन्यूएटेड का मतलब होता है उसकी विरुलेंस पावर होती है पावर ऑफ प्रोड्यूस डिजीज, डिजीज कोज करने की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए, हेपेटाइटिस बी, कॉलेरा और रेबीज तीनों क्या है, लाइव वैक्सीन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए रिलेशन ऑफ लॉन्ग एक्सिस द फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस एंड मैटरनल स्पाइन। क्वेश्चन देखिए, रिलेशन किसके बीच में, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस एंड मैटरनल स्पाइन, क्या बोलते हैं इसको, एटीट्यूड, लाई, पोजिशन एंड डिनोमिनेटर। देखिए क्वेश्चन, फीटस का लॉन्ग एक्सिस मैटरनल लॉन्ग एक्सिस के साथ अगर अपन मैच करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटीट्यूड, लाई, पोजिशन या डिनोमिनेटर, तो उसको बोलते हैं अपन लाई। क्या कहते हैं, लाई बोलते हैं। फीटल लॉन्ग एक्सिस विथ मैटरनल लॉन्ग एक्सिस जो अपन असेस करते हैं उसको लाई बोलते हैं। तो तीन प्रकार की होती है, जिसके अंदर क्या हो सकता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स। वर्टिकल लाई के अंदर क्या होगा, जो फीटस होगा वो मदर के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के साथ होता है, फीटल एक्सिस मदर के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल होता है, 180 डिग्री पे होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाई, या इसके अंदर देखिए वर्टिकल लाई बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर मैटरनल लाइज के या मैटरनल जो लॉन्ग एक्सिस है उसके जस्ट अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स लाई, ठीक है, सॉरी ये होता है हॉरिजॉन्टल लाई, ठीक है। और अगर मैटरनल लॉन्ग एक्सिस के ट्रांसवर्स होता है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसवर्स लाई, ठीक है। तो तीन अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं लाइज, जिनके अंदर फीटस की अपन लॉन्ग एक्सिस और मैटरनल स्पाइन लॉन्ग एक्सिस असेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, यहां पर कौन सा होगा, ऑप्शन बी राइट होगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 18, द सैफरून कलर म्यूकोनियम इज सीन इन, सैफरून कलर म्यूकोनियम किसके अंदर सीन होती है, पोस्ट मैच्योरिटी, टीबी सीरा, RS incompatibility and normal in appearance। Saffron color किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, यहां पर पूछा आपको म्यूकोनियम, ठीक है। तो देखिए saffron color के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सभी आंसर दें एक बार,
पोस्ट मैच्योरिटी, टीबी सीरा, आरएच इनकंप्रेबिलिटी, नॉर्मल इन अपीयरेंस। अगर पोस्ट मैच्योरिटी की कंडीशन है, पोस्ट मैच्योरिटी कंडीशन है तो सैफरून कलर हमें दिखाई देगा, ठीक है। या इसको हम बात कर सकते हैं ग्रीनिश येलो, क्या बता सकते हैं, ग्रीनिश येलो भी जो होती है वो सैफरून कलर या ग्रीनिश येलो, अपन दोनों बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको म्यूकोनियम सॉरी एमनियोटिक फ्लूड के कलर के बारे में पूछ सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूड। तो इसके पांच अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर बताए गए हैं। पहला है ग्रीनिश कलर, किसके अंदर होता है, म्यूकोनियम स्टेन, म्यूकोनियम स्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीनिश येलो या सैफरोन कलर, सैफरोन कलर होता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, पोस्ट मैच्योरिटी में, पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गोल्डन कलर, गोल्डन कलर, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, किसमें, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, क्यों देखने मिलता है, ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस, ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डार्क ब्राउन या टोबेको कलर, डार्क ब्राउन या टोबेको कलर, किसके अंदर देखने को मिलता है, इंट्रायूटेराइन डेथ। ध्यान रखना इनके अलग अलग कलर भी पूछ सकता है आपको, फर्स्ट है ग्रीनिश कलर म्यूकोनियम स्टेन के अंदर, ग्रीनिश येलो कलर या सैफरोन कलर पोस्ट मैच्योरिटी में देखने को मिलता है, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव हीमोलाइसिस। नेक्स्ट है डार्क ब्राउन या टोबेको कलर, किसमें देखने को मिलता है, इंट्रा यूटेराइन डेथ में। और एक लास्ट होता है डार्क रेड, ये किसमें देखने को मिलेगा, अगर हेमरेज की कंडीशन होती है तो, हेमरेज की कंडीशन में होता है डार्क रेड कलर देखने को मिलता है। यहां से भी आपको क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फिटस, इनमें से कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, या फिर यहां पर बात करें जिसे प्रोवाइड करने से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट हो सकता है, दोनों एक ही बात है। कौन से विटामिन से हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, विटामिन बी, विटामिन के, फॉलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड। तो देखिए सभी को पता है फॉलिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करता है। न्यूरल ट्यूब क्या होती है, जब आफ्टर कंसेप्शन क्या होता है, जायगोट बनता है और वहां पर क्या होता है, प्रोडक्ट जैसे डेवलप करता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और न्यूरल ट्यूब जो होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द न्यूरल ट्यूब। अब ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड कई बार क्या होता है, न्यूरल ट्यूब जो होती है वो ओपन रह जाती है या उसके अंदर कुछ डिफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फोलिक एसिड स्टार्ट करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू WHO में बात करें तो फोलिक एसिड बिफोर द कंसेप्शन, बिफोर द कंसेप्शन, वन मंथ बिफोर कंसेप्शन स्टार्ट करते हैं टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टा स्विनोसस आफ्टर बर्थ, डक्टा स्विनोसस का जो क्लोजिंग टाइम है आफ्टर बर्थ, कौन सा, एनाटॉमिकल क्लोजिंग ऑफ डक्टा स्विनोसस कितना होता है, जस्ट आफ्टर बर्थ, वन वीक आफ्टर बर्थ, वन मंथ आफ्टर बर्थ एंड वन ईयर आफ्टर बर्थ। बताइए,
डक्टस विनोसस की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़े, डक्टस विनोसस की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं तीन अलग अलग कंडीशन। पहला है डक्टस विनोसस, मैंने आपको पढ़ा दिया है थ्योरी क्लासेस के अंदर। दूसरा है फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल। तीसरा है डक्टस आर्टेरियोसस। तो तीनों के अंदर क्या होता है, आफ्टर बर्थ ये क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है। अब तीनों की पहले बात करें अपन फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग, पी से आप समझ जाएं फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग, ठीक है। पी से डिनोट कर रहा हूं किसको, फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग, और ए से किसको, एनाटॉमिकल क्लोजिंग। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग तीनों की कितनी होती है, 5 मिनट आफ्टर बर्थ। फिजियोलॉजिकल क्लोजिंग कितनी होती है तीनों की, 5 मिनट आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये तो आप सेम याद रख ले। बात करें एनाटॉमिकल क्लोजिंग, तो डक्टस विनोसस की एनाटॉमिक क्लोजिंग होती है आफ्टर 7 डेज आफ्टर बर्थ, 7 डे आफ्टर बर्थ। 7 दिन बाद में क्या हो जाएगा, डक्टस विनोसस क्लोज हो जाएगा। फोरामेन ओवल अप टू 1 ईयर, 1 ईयर पे क्या होता है, फोरामेन ओवल क्लोज होता है। और डक्टस आर्टेरियोसस 1 to 3 मंथ, 1 to 3 मंथ क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाता है। तो ये तीनों आप याद रखें, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन आता है, यहां से कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपको। इसके अंदर अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। अब देखिए जो यहां पर अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन जो होती है उनकी भी क्या होती है, क्लोजिंग, क्योंकि आफ्टर बर्थ वो भी क्या होती है, एक लिगामेंट के रूप में क्या होती है, रिस्टोर पर रिस्टोर रहती है, और बाद में क्या होती है, वो डिसअपीयर हो जाती है। अब देखिए अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है, अम्बिलिकल आर्टरी वो सबसे पहले क्लोज होती है, अम्बिलिकल आर्टरी की फर्स्ट क्लोजिंग होती है, ध्यान रखना सबसे फर्स्ट क्लोजिंग किसकी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी की। और अम्बिलिकल वेन जो होती है उसकी सेकंड क्लोजिंग होती है, अम्बिलिकल वेन की क्या होती है, सेकंड क्लोजिंग होती है। अब इनके रेमिनेंट भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अम्बिलिकल आर्टरी का रेमिनेंट क्या होता है, रेमिनेंट का मतलब क्या हो गया, आफ्टर द बर्थ जो अम्बिलिकल आर्टरी है एक लिगामेंट के रूप में होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेमिनेंट या अवशेष हिंदी में बात करें तो। अम्बिलिकल आर्टरी का जो रेमिनेंट होता है, ध्यान रखना रेमिनेंट बता रहा हूं मैं, क्या होता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, क्या होता है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। और यहां पर बात करें अम्बिलिकल वेन का, तो ये होता है, इसका रेमिनेंट क्या होता है, लिगामेंटम टीरीज, लिगामेंटम टीरीज, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन, हर एक ऑप्शन को विथ एक्सप्लेनेशन समझा दिया है। कंप्लीट क्लास अगर आप रिवाइज करके देखें तो अप्रोक्सीमेट 120 टू 140 क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको थ्योरी समझाई है, हर क्वेश्चन के एक्सप्लेन किया है, हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है। और रेगुलर आपकी जो 4 दिन क्लासेस चलने वाली है ऐसे ही चलेंगी, और 4 दिन के अंदर आपको हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे यहां पर बोर्ड पे। इसके साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है वो है, घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसके अंदर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ CHO। आज हमने एक नई टेस्ट सीरीज और स्टार्ट की है जिसमें आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, कोई भी दिक्कत आती है आपको सपोर्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो विक्रम सर की ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 3:30 बजे से विक्रम सर की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, यहां से कुछ आपको मिला है, तो आप इस क्लास को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि
आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं जो एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं है। हमने यहां से एक छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया है कि हम यहां से जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं अपने, उन सभी तक हमारा ये छोटा सा प्रयास पहुंच जाए और वो भी अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बाहर जो इलाके हैं उनके अंदर कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो वो कोचिंग्स जा नहीं सकते, महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये चीज बहुत ही बेनिफिट होगी और वो भी अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। तो आप वीडियोस को शेयर भी करें और लाइक कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए आपको क्लास के अंदर तो आप क्वेश्चन पुट अप करें, और क्लास के अंदर अगर कंटिन्यू क्लास चल रही है तो उसके अंदर अपनी पर्सनल चैट को कुछ देर के लिए बंद कर दें, ठीक है। तो रेगुलर हमारी चार दिन क्लासेस होने वाली है, ठीक है, और हर क्लास के अंदर आपको 20 से 25 क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं, तो उन 20 से 25 क्वेश्चन में आपको क्लास को शायद रिवाइज करके देख लें, आपको अप्रोक्सीमेट 100 ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन को विथ रेशनल विथ थ्योरी समझाया है, और यही बेस्ट तरीका है मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करने का, ठीक है। सो आप अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव वो सभी अगर फेसबुक यूज करते हो आप, तो आप अपनी फेसबुक पर वीडियोस को शेयर करें, ताकि फेसबुक पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहते हैं, सोशल मीडिया एक अच्छा है, तो वहां से हर स्टूडेंट तक ये चीज पहुंच सकती है। और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर ले, उसके अंदर हमने बेस्ट कंटेंट ऐड किया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब CHO के लिए भी हम यहां से जो टॉपिक कवर हो रहे हैं वो आप करें, बाकी 11 तारीख से हम पंजाब CHO के लिए जो अलग से जो टॉपिक रह गए हैं उनकी क्लासेस भी हम लगवा देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है।